प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मधु निषेध विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल ने किराना अतिथि भवन में आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के आबकारी और मदय निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि यूपी में भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। शहरों के इस निकाय चुनाव में भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि वे व्यापारियों के बीच प्रभावी मतदाता सम्मेलन में आए हैं। उनको विश्वास है कि व्यापारियों का साथ भाजपा को जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में व्यापारी भाजपा का साथ देते हैं, इस चुनाव में भी भाजपा की बड़ी जीत होगी क्योंकि चुनाव में व्यापारियों का इसमें अहम योगदान होगा। उन्होंने व्यापारियों को एकजुट होकर भाजपा का साथ देने और भारी मतों से विजय दिलाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनके बिना किसी भी चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करना काफी मुश्किल है। व्यापारी हमेशा भाजपा का साथ देते रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा और अब शहर के चुनाव में भी व्यापारियों का अच्छा खासा योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी बड़ी संख्या में भाजपा के साथ, उन्हें पूरा विश्वास है कि यूपी के सभी शहरों में निकाय चुनाव में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। यही वजह है कि वह यहां पर प्रभावी मतदाता सम्मेलन में व्यापारियों से मिलने के लिए आए हैं। यहां के व्यापारियों ने भाजपा का साथ देने के लिए पूरा भरोसा जताया है। शहर की जनता भाजपा के विकास कार्यों के बूते शहर की सरकार बनाएगी, ऐसा उन्होंने पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभी महापौर पद के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही प्रत्याशी का नाम भी सामने आ जाएगा। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के आबकारी व मदय निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, नगर निकाय के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और हम जनता के बीच में हमारे 9 वर्ष की आदरणीय मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और साथ ही साथ हमारे 6 वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है उस उनकी उपलब्धियों के बीच लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से हम लोग फील्ड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और मैं जो उत्साह लोगों के बीच में देख रहा हूँ, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो हमारी शहरों की सरकार बनेगी, हम बहुत बड़ी जीत, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। हम सभी नगर निगम तो जीत के आएंगे ही आएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों को हम जीतेंगे, वार्ड में हमारे सभासदों की हमारी जीत होगी और ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार की हम बात कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। वक्त कम है लेकिन अभी मेयर पद के प्रत्याशी के नहीं, पार्टी का निर्णय है, सारी प्रक्रिया चल रही है, कोई प्रक्रिया रुकी नहीं है और बहुत जल्द प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी द्वारा की जाएगी। मंत्री जी, इस कार्यक्रम का नाम प्रभावी मतदाता सम्मेलन रखा गया है, क्या व्यापारी पूरी तरह से वास्तव में प्रभावी काम करेगा या समाज के लोग? देखिए, मैंने जैसे अभी अपने उद्बोधन में भी कहा, व्यापारी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है और मैं तो मानता हूँ कि व्यापारी समाज जिसके साथ होता है उसकी निश्चित तौर पर सरकार बनती है। तो आज मैं उसी व्यापारी समाज के बीच में प्रभारी मतदाता सम्मेलन में आया हूँ और आप देख सकते हैं कि कैसे व्यापारियों ने आज मुझे हम लोग को आश्वस्त किया है और कैसा उत्साह आदरणीय योगी जी के प्रति व्यापारियों का है।